इतनी बहुत अच्छी बात कही थी कि दिल्ली टू श्रीनगर की फ्लाइट में तुम सोना मत, बिकॉज व्यूज बहुत अच्छे अच्छे होंगे, क्या मस्त मस्त पहाड़ और क्लाउड्स। सो फर्स्ट लुक ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स क्लाउड्स के आस पास ही थे, कुछ ऊपर भी थे, मस्ती करते। कुछ तो मुझे लगा जैसे मुझे यहाँ से हिमालय से माउंट एवरेस्ट दिख जाएगा। सो एयरपोर्ट से हमें पिकअप किया गया एंड हमें बेस लोकेशन सोमवार भी जाया था। रास्ते में सिम रिवर भी मिली, क्या नेचुरल साउंड है। सो हमें बेस लोकेशन पे ड्रॉप किया गया है और यहाँ से आई थिंक 100 feet या 200 feet का हमें ट्रैक करना है, जो कि हमें अपना सामान को भी उठाना है वहाँ तक, जो हमारे बेस लोकेशन पे कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ तक के लिए। यहीं से दिल खुश हो गया था। सो डे जीरो हमारा बेस लोकेशन, हमने सब ने अपने अपने टेंट्स अच्छे से एक्सप्लोर किए, क्या नज़ारे थे, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और व्यूज तो बहुत अच्छे थे। जिन लोग प्रोफेशनल ट्रैकर्स, उन्होंने बताया कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे रहते। और ऐसे माहौल में अगर चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। सो डे वन हमने कुछ 11,000 feet पे हम गए, 10,000 पे थे, और टेबल टॉप करके जगह है वहाँ पहुँचे। यहाँ फर्स्ट डे था तो बहुत हालात खराब हो गई थी, लेकिन वी मैनेज्ड। व्यूज यहाँ पे बहुत शानदार थे, सब ने बैठ के मैगी नाश्ता वाश्ता किया। ग्लेशियर्स देखे और लेट मी टेल यू, इस पे चलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि ये भी शायद गिरते गिरते बचेंगे, ये देखो। ग्लेशियर से मेल्ट हुआ वाटर था तो क्रिस्टल क्लियर और आइस कोल्ड था, प्योर नेचर। सो हमें आज के बाद 8 to 9 kilometers का और रिवर साइड ट्रैक करना था। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई ट्रैक इज कि स्ट्रीम से हमें वाटर मिलता था, क्योंकि बहुत मीठा होता था, मुझे तो बहुत पसंद था। और हमारे ट्रैक के रहने हमें रिवर क्रॉस का भाई नंगे पांव। सो डे टू हमें नीचना ही पास चढ़ना था, स्टीप ट्रैक था थोड़ा सा। अगेन आई गेस ये 11,000 या 12,000 के बीच में था फीट। पतले पतले रास्ते के एक पैर खस के तो आप सीधा नीचे, ये शुरुआत है, आगे और डिफिकल्ट ट्रैक्स।
बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखे, सोर्स ऑफ वाटर मेल्ट होते हुए, यहाँ हमारा डे खत्म होने को आया। और ये हमारा थर्ड कैंप साइट डे था। विष्णु सर लेक के पास में हमने कैंप लगाए थे सारे। इसके बाद हमें कर्सर पास चढ़ना था, बीच में विष्णु सर कृष्ण लेक तो देखने थे। कर्सर पास वॉज अराउंड 13,800 फीट, इस पूरे ट्रैक का सबसे हाईएस्ट। सो डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था वेदर के कारण। और सो टेंट के अंदर हम कैसे रहते हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, तो बस कॉफ़ी जैसे होते हैं, घुस जाओ और बस हो जाओ। एंड सुबह सुबह देखो बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे। एज एक्सपेक्टेड रेन हुई, सो हमको अपना रेस्ट लेना पड़ा। सो हमने विष्णु सर लेक देखा, फोटोग्राफी स्टार्टेड। ये हमारा पहला लेक था विष्णु सर लेक। सो आइस कोल्ड वाटर एंड क्रिस्टल क्लियर, इतना क्लियर कि आपको इसमें माउंटेन की इमेजेस दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल।